बुंदेलखंड की बेटी थी दुर्गावती, और उनका शादी हुआ गोंडवाना के राजा दलपत के साथ, जो आज के टाइम पे मध्य प्रदेश में आता है। राजा दलपत एंड दुर्गावती का एक बेटा भी था जिसका नाम था वीर नारायण। जब वीर नारायण 5 साल का था उस वक्त राजा दलपत की मौत हो गई, एंड जिसके वजह से पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी और बच्चे की जिम्मेदारी रानी दुर्गावती पे आ पड़ी। उन्होंने पूरे राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जिसमें 70,000 गाँव आते थे, और अपने कुछ मंत्रियों के साथ वो पूरा राज्य चलाने लगी। अबुल फजल, जो अखबार के दरबार का एक हिस्टोरियन था, उनका कहना था कि दुर्गावती वीरता की मिसाल थी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा दयालु भी। यही कारण था राजा दलपत के मौत के बाद दुर्गावती को पूरी प्रजा पूछती थी। कुछ कहानियाँ तो ऐसी भी है कि अगर राज्य में कभी एक शेर दिख जाता था तो दुर्गावती पानी तक नहीं पीती थी जब तक वो उस शेर का शिकार न कर ले। दुर्गावती बहुत ही सुंदर थी जिसके वजह से दुश्मनों की हवस भरी नजरें हमेशा उन पे टिकी रहती थी। आसिफ खान अकबर की आर्मी का कमांडर था और वो मौके के इंतजार में बैठा हुआ था। अबुल फजल के हिसाब से आसिफ खान दुर्गावती के साथ फ्लर्ट करता था और बहुत बार उनको छूने की भी कोशिश की थी। आसिफ खान की नज़रें गोंडवाना से ज़्यादा दुर्गावती पे थी, और ईयर 1564 में आसिफ खान को फाइनली वो मौका मिल ही गया जब अकबर ने गोंडवाना पे अटैक करने का ऑर्डर दिया। ये लड़ाई दुर्गावती के लिए राज्य की नहीं अपने इज्जत की थी। रानी अपने 5,000 सैनिक और अपने बेटे वीर नारायण के साथ युद्ध के मैदान में उतर गई, लेकिन सामने 10,000 मुगलों की सेना थी जो उनके सेना का डबल साइज का था। पर वो डरी नहीं, उन्होंने साहस के साथ मुकाबला किया और 300 मुगलों को मार गिराया। रानी दुर्गावती युद्ध के पहले रात को एक सरप्राइज अटैक करना चाहती थी, बिकॉज उनका कहना था कि अगर अगले सुबह तक वो लोग चुपचाप बैठे रहे तो मुगल की आर्मी राज्य के अंदर तक घुस आएगी। लेकिन चंद लोगों के सिवा उनके साथ कोई सहमत नहीं था, एंड जिसका डर था वही हुआ। सुबह तक मुगल की आर्मी अंदर घुस चुकी थी। ये युद्ध 3 दिन चला, और इसी दौरान वीर नारायण मुगलों के सेना के एरिया में 3 बार घुस चुके थे, लेकिन वो आसिफ खान को मारने में नाकाम रहे और लास्ट टाइम जख्मी भी हो गए। रानी से अपने बेटे की हालत देखी नहीं गई तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि वीर नारायण को युद्ध क्षेत्र के बाहर लेके जाया जाए। वीर नारायण के साथ मैक्सिमम सैनिक युद्ध छोड़ के जा चुके थे, लेकिन रानी दुर्गावती डटी रही, वो वीरता के साथ लड़ती रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो घायल हो गई, उनको 2 तीर लगे थे गले पे एक सर पे। जब दुर्गावती जख्मी हो गई, गोंडवाना का कमांडर आधर ने उनको उठाकर युद्ध के मैदान के बाहर लाकर रखा और उनको कहा कि आप यहाँ से भाग जाइए। लेकिन रानी भागने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने आदर को कहा कि तुम मुझे मार दो, लेकिन आदर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने हाथों से अपनी रानी का जान ले पाए। तो इसीलिए रानी दुर्गावती ने अपना खंजर निकाला और अपने सीने में डाल दिया, क्योंकि उनको हफ्ती मुगलों के हाथ बलि चढ़ने से इज्जत की मौत प्यारी थी। आसिफ खान ने गोंडवाना की हजारों हाथी कैप्चर की और उनको अनकाउंटेबल वेल्थ मिला। वीर नारायण चौगर भाग गए, जहां गोंडवाना साम्राज्य का खजाना रहता था। लेकिन 2 महीने बाद आसिफ खान ने वीर नारायण को ढूंढ निकाला और उन्हें मार डाला। मुगलों को चौघर में भी भर के खजाना मिला, और 4 दिन बाद जब वो महल की छानबीन कर रहे थे और खजाना के लिए, उन्होंने एक कमरा खोला जिसमें गोंडवाना की महिलाओं ने जौहर कर लिया था। लेकिन बदकिस्मती से 2 औरतें डर से जौहर नहीं कर पाई, और उनमें से एक रानी दुर्गावती की बहन कमलावती थी, एंड ऑब्वियसली उनको अकबर के दरबार में रखा गया एज सेक्स स्लेव्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप ऐसे ही हिस्ट्री के कुछ अनटोल्ड स्टोरीज सुनना चाहते हैं मेरे साथ यानी सोहम के साथ, देन डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।